वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। सो दोस्तों, ये है मेरे पास रियलमी का तरफ से C33 स्मार्टफोन। और गाइस, इसमें कुछ दिन पहले एक सिस्टम अपडेट आया जो कि एंड्रॉइड 12 से 13 हो गया। सो दोस्तों, इसमें जब भी आपको अपडेट लेना, इसमें भी एंड्रॉइड 13 देखने को मिल जाता है रियलमी C33 फोन में। और गाइस, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि गाइस इसमें हम लोग जैसे फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए जाते हैं तो गाइस यहाँ पे लिखा आता है कैमरा इन यूज, और गाइस हैंग लैग, ये जो प्रॉब्लम है गाइस इसमें होता है। और गाइस, ये जो प्रॉब्लम है गाइस फिक्स कर सकते हो कि नहीं, और गाइस ये जो प्रॉब्लम है कब तक फिक्स होगा, कैसे करके फिक्स करना होगा, वो गाइस सारे गाइस पूरा इन्फॉर्मेशन गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वही बताऊंगा कि आप लोग हैंग लैग और जो गाइस कैमरा इन यूज जो प्रॉब्लम है, और गाइस ये जो ऑटोमेटिकली जो ऐप जो गाइस री इंस्टॉल हो जाता है, हम लोग इसको अनइंस्टॉल करते हैं जैसे हमारा फोन ऑफ होता है, ऑन होने के बाद ये जो सारे के सारे ऐप्स है गाइस फिर से गाइस ये इंस्टॉल होता है। सो दोस्तों, ये जो सारे का सारे प्रॉब्लम है ये गाइस आप लोग किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, वो भी रियलमी C33 फोन में, वही गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्द से लाइक करो, और गाइस इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब करो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यूसुफ अली और आप देख रहे हो HM टेक्निकल शो। दोस्तों, ज्यादा बकवास ना करके चले दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस फोन में जो सारे का सारे ऐप्स है ऑटोमेटिकली जो रीइंस्टॉल होता है गाइस, ये आप लोग किस तरह से फिक्स कर सकते हो। सो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है गाइस, ये आपको ना एक सॉफ्ट सिस्टम अपडेट करने से फिक्स होगा। सो दोस्तों, मैं अपडेट का वर्जन यहाँ पे गाइस यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, इस अपडेट का जो वर्जन है गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। इस अपडेट का जो वर्जन है गाइस, अगर आपको आपका फोन में आया है तो जल्द से कह लो, अपडेट का वर्जन है गाइस RMX 3624 यहाँ पे 13.3.18। ये जो अपडेट है गाइस, ये अगर आप लोग करते हो ना, तो गाइस ये करने से यहाँ पे क्या होगा, ये जो सारे का सारे ऐप्स गाइस ऑटोमेटिकली रीइंस्टॉल होता है ना, वो भी प्रॉब्लम आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और गाइस सिर्फ वो नहीं, यहाँ पे गाइस आपको बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हो जाता है। पहले यहाँ पे ऐप इन्फो का प्रॉब्लम आता है, मतलब सिस्टम UI स्टॉपेड का जो प्रॉब्लम है वो भी गाइस यहाँ पे आता था। और गाइस ये जो अपडेट है, ये अपडेट करने के बाद गाइस ये जो प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम जो गाइस यहाँ पे फिक्स हो गया। और अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे कैमरा इन यूज जो आता है, जैसे हम लोग यहाँ पे फ्लैश लाइट देख सकते हैं, यहाँ पे जो फ्लैश लाइट का नीचे यहाँ पे लिखा है कैमरा इन यूज, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैमरा को तो यूज ही नहीं किया, बट यहाँ पे तभी भी आ रहा है कैमरा इन यूज। और गाइस ये जो प्रॉब्लम है गाइस, ये भी अभी इतना दिखने को नहीं मिलता, और जो ये जो अपडेट है गाइस, और गाइस ये जो सारे का सारा प्रॉब्लम है ना, ये गाइस आपका UI का प्रॉब्लम है। सो दोस्तों, ये जो अपडेट है, ये आपका फोन में जैसे अपडेट आएगा आपको तुरंत अपडेट कर लेना होगा। अपडेट करने के बाद गाइस आपको ये जो प्रॉब्लम है गाइस, ये धीरे धीरे फिक्स होना शुरू हो जाएगा। और गाइस तभी भी अगर आपका फिक्स नहीं हो रहा है ना, तो आप लोग जितना सको रियलमी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके ना, ये जो प्रॉब्लम है सारे का प्रॉब्लम गाइस बता दो। और गाइस मैं आप लोगों को एक कैमरा इन यूज का जो प्रॉब्लम है, ये गाइस क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोगों ना यहाँ पे गाइस क्या करना होगा, यहाँ पे आपको फोन को जो गाइस यहाँ पे एकदम एक बार रिस्टार्ट करना होगा। रिस्टार्ट करने के बाद गाइस ये जो प्रॉब्लम है गाइस, थोड़ा देर के लिए यहाँ पे फिक्स हो जाता है। मुझे तो सिर्फ एक बार ही आया था ये जो कैमरा इन यूज का जो प्रॉब्लम है गाइस, मुझे सिर्फ एक बार ही आया था, उसके बाद यहाँ पे नहीं आया। और गाइस अभी बात कर लेते हैं इस फोन में जो हैंग लैग का जो प्रॉब्लम है, वो हम लोग किस तरह से फिक्स कर सकते हो। जैसे कि गाइस ये जो फोन है, हम लोग तो गेम तो खेल ही नहीं सकते, गेम का बारे में छोड़ो, शुक्र है कि इस फोन को मैं प्राइमरी यूज नहीं करता हूं। तो दोस्तों, इस फोन को अगर मैं प्राइमरी यूज करता होता तो गाइस इसको मैं निचोड़ देता है। दोस्तों, इस फोन में जो हैंग लैग प्रॉब्लम है ना, वो गाइस हम लोग इसको फिक्स नहीं कर सकते। सो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है, ये गाइस ऑटोमेटिकली अपडेट में फिक्स होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें अगर हम लोग कुछ ट्रिक अप्लाई कर दे तो ये जो प्रॉब्लम है शायद फिक्स हो जाएगा। सो दोस्तों, आपका जो सोच है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आप लोग इसको कैसे करके भी फिक्स नहीं कर सकते, ये एंड्रॉइड 13 अपडेट आने के बाद ये प्रॉब्लम हुआ। इसमें ये जो फोन है, जैसे एंड्रॉइड 12 पे था ना, तभी ये फोन मक्खन की तरह चलता था, लेकिन अभी नहीं चलता क्योंकि इसमें एंड्रॉइड 13 अपडेट आ चुके, इसलिए ये ना उतना स्पीड यहाँ पे नहीं चलता। सो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे अपडेट में ना फिक्स हो जाएगा। सो दोस्तों, आप लोग उतना छेड़खानी मत करो। और मुझे बहुत लोग इंस्टाग्राम पर DM करते कि भाई ये प्रॉब्लम को हम लोग कैसे फिक्स कर सकते। सो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है, इसको आप लोग फिक्स नहीं कर सकते, इसको हम लोग भी फिक्स नहीं कर सकते, ये रियलमी फिक्स कर पाएगा, वो भी उसका जो अपडेट है धीरे धीरे अपडेट देते रहेगा। और गाइस सिक्योरिटी पैच का अपडेट और परफॉर्मेंस वगैरह वगैरह का अपडेट में ये जो प्रॉब्लम है गाइस फिक्स हो जाएगा, मुझे लगता है। मैं तो आप लोगों को डायरेक्ट नहीं कह सकता कोई ये करो वो करो, आपका जो हैंग प्रॉब्लम है लैग प्रॉब्लम है ये फिक्स हो जाएगा। मैं आप लोगों को ऐसे फिक फैक टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देने वाला। सो दोस्तों, मैं तो आप लोगों को कहूंगा आप लोग वेट करो, धीरे धीरे वेट करो, वेट करने के बाद आपका फोन में ये सारे का सारे जो प्रॉब्लम है गाइस ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, वो भी अपडेट करने के बाद। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस अगर आप लोग चैनल पर नहीं आते तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, वीडियो पसंद तो लाइक करना। सो दोस्तों, आज के लिए इतना था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।